हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनी स्टाइल। गाइस, आज के मेरे वीडियोस में हम बात करेंगे टमी टकर के बारे में। ये क्या होता है और इसे क्यों और कैसे यूज़ किया जाता है, इन्हीं सब के बारे में मैं डिटेल से बताऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना भूल गए हैं तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है एनी स्टाइल 75। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गो स्टार्टेड। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। गाइस, सबसे पहले टमी टकर होता क्या है? जिन लोगों का बैली फैट इतना ज़्यादा होता है जिससे उन्हें टाइट ड्रेसेस पहनने में प्रॉब्लम होती है, उन्हें जींस पहनने में प्रॉब्लम होती है, इसके लिए आते हैं टमी टकर, या आप इसे बॉडी शेपर भी कह सकते हैं। इसको पहनने के बाद आप जो भी ड्रेसेस पहनेंगे वो अच्छे से आ जाएगी और आपकी जो टमी है वो अच्छे से हाइड हो जाएगी। इसके बाद आप कोई भी ड्रेस ईजीली पहन सकते हैं और टमी का जो एरिया है वो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। इस टाइप के गाइस टमी टकर्स आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं या किसी भी लोकल मार्केट में जो लॉन्जरी शॉप होती है वहाँ से आप इसे खरीद सकते हैं, वो बेस्ट है। मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि आप इसे लोकल मार्केट से लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। ऑनलाइन पर अगर आप ऑर्डर करते हैं 2 से 3 दिन में आपका ऑर्डर आएगा, उसके बाद अगर आपका साइज़ ठीक नहीं है तो आपको इसको वापस रिटर्न करना पड़ेगा। इससे बेटर है कि आप इसे लोकल मार्केट से ही परचेस करें। गाइस, ये मेरा टमी टकर है, ये अभी का नहीं है, इसे मैंने 1-2 साल पहले लिया था जब मेरे थोड़ा टमी एरिया फैटी था, बट अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसे मैंने मुंबई के हिल रोड से लोकल मार्केट से ही लिया है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो वायर हैं ये इतना टाइट है कि जब भी आप इसे पहनेंगे ये ईजिली आपकी टमी को हाइड कर देगा और टमी का जो फ्लैट है वो टमी को बिल्कुल फ्लैट कर देगा। पर जब भी आप इसे ख़रीदें तो ये चेक ज़रूर कर लें कि आपको वायर वाला ही ख़रीदना है, बिना वायर वाला आपको टमी टकर नहीं ख़रीदना है। और बिना वायर वाले भी कई टमी टकर आते हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट दूंगी कि आप वायर वाला टमी टकर ही ख़रीदें, वो आपके लिए बहुत अच्छा है और आपकी टमी को अच्छे से हाइड कर लेगा। वायर वाले पेट को अच्छे से टाइट भी हो जाता है और इसके बाद आप जो भी ड्रेस पहनोगे वो काफ़ी अच्छी लगेगी। अब बात करते हैं गाइस इनके प्राइस की। तो इनकी प्राइस 350 रुपीज़ से स्टार्ट होकर 1000 रुपीज़ तक आते हैं, बट मेरे पास जो है ये 600 का है। और गाइस, इसका साइज़ कैसे चूज़ करते हैं मैं वो भी आपको बताती हूँ। जो आपकी पैंटी का साइज़ होता है वही आपके टमी टकर का साइज़ होगा, और इसे आपको अपने ड्रेस के नीचे पहनना है। जब भी आप इसे फर्स्ट टाइम पहनेंगे गाइस तो आपको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइट भी रहता है और ये आपके चेस्ट तक आएगा। तो गाइस, मैं तो आपको यही सजेस्ट दूंगी कि जब भी आप कोई टाइट ड्रेस पहने या फिटेड ड्रेसेस पहने तभी आप इसे पहने, और आप इसे धीरे धीरे पहनेंगे तो आपकी आदत बढ़ जाएगी, फिर यह आपको टाइट नहीं लगेगा। स्टार्टिंग में थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील हो सकता है, बट गाइस ये काफ़ी अच्छा टमी टकर है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि जिनकी डिलीवरी सिजेरियन से हुई है तो उनके लिए मैं यही राय दूंगी कि वो 6 मंथ तक इसे ट्राई नहीं करें, 6 मंथ के बाद ही इसे पहने। और पहनने पर एक बार आप डॉक्टर से ज़रूर एडवाइस ले लीजिए कि वो इन्हें पहन सकते हैं या नहीं। ये काफ़ी अच्छा टमी टकर है, आप इसे पहनने के बाद आप कॉन्फिडेंस फील करेंगे, उसके बाद आप कोई सी भी ड्रेस हो जिसको आपको पहनने में अनकंफर्टेबल लगता है कि मेरा टमी एरिया दिख रहा है या मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, इसको पहनने के बाद आप इजीली पहनिए, मेरा यकीन मानिए काफ़ी अच्छा है, इसे मैंने भी ट्राई किया है। तो गाइस, ये था आज का वीडियो। आई होप यू गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना और आप इस टमी टकर को एक बार ज़रूर ख़रीदना।